सीमा से सटे सीता बावड़ी इलाके में नगर पालिका द्वारा कचरा डिपो है। यहाँ पर हर सुबह दमोह शहर से कचरा वाहनों द्वारा इकट्ठा किया वो कचरा यहाँ लाकर डंप किया जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने सभी वाहनों की चाबियां छुड़ाकर इन्हें बंधक बना लिया। सीता बावड़ी इलाके में रहने वाले लोग यहाँ से कचरा डिपो हटाने की मांग कर रहे हैं। पहले भी दमोह कलेक्टर को इस संबंध में सूचित कर चुके हैं। अराजकता की स्थिति हो रही है, तो आपको ऐसा करने का भी अधिकार नहीं है कि आप कानून हाथ में लेके इस तरह का काम करो। ये मैंने लिख के दे दिया है कि 16 फरवरी के बाद वो जैसी तो होगा तो यहाँ से हम लोग वहाँ के बारे में अभी टाइम को इंतजार करो थोड़ा। 16 फरवरी तक 15 फैल रहा है, उसके लिए हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन दी है। उस कचरे से हमारे यहाँ पे मक्खियाँ और अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसके लिए हम लोगों ने नगर पालिका और कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने इस चीज़ से अवगत कराया है, और उन्होंने पिछली आवेदन में हमारे लिए 15-20 दिन का टाइम लिया था कि इसके बाद हम यहाँ से कचरा हटा लेंगे, लेकिन वो 15-20 दिन भी चले गए और आने वाले समय में भी ये कचरा यहीं पर निरंतर डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज फिर से हड़ताल करने की सोची, लेकिन महोदय जी आए और उन्होंने 15 फरवरी तक का टाइम लिया है, इसके बाद यहाँ पर कचरा नहीं डालेंगे। करीब यहाँ पर 1.5-2 महीने पहले भी एक ज्ञापन दिया था, नगर पालिका को अवगत कराया था कि यहाँ पर कचरा डल रहा है कई सालों से, मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी बस्ती, मतलब कि यहाँ पर कचरा डलने से यहाँ मक्खियाँ फैल रही हैं और बीमारियाँ फैल रही हैं, और शासन प्रशासन बार बार अवगत करा रहा है। 18 तारीख को दिया था एक ज्ञापन, तो उसमें बोला था कि 8-10 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा, मगर अभी तक कोई यहाँ की समस्या सॉल्व नहीं हुई है। और हम लोग यहाँ पर आज पूरी बस्ती के लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी ड्राइवर लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट की और उनको मनाया कि भाई यहाँ पर कचरा ना डालें, और यहाँ पर सीएम साहब आकर उन्हें आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर, मतलब 1.5 महीने के अंदर यहाँ का कचरा डालना बंद हो जाएगा। आप लोगों ने सभी गाड़ियों की चाबी छुड़ाई थी क्या? नहीं, ये तो सब गलत है, किसी गाड़ी की चाबी ना छुड़ाइए, सभी से भाई बंधु हैं हमारे, मोहल्ले के हैं, सभी के रिक्वेस्ट करके यहाँ पर साइड में खड़ा किया था कि भाई साफ बुलाओ और हम लोग बात करें। देखिए, ये जो 70 साल पुराना हमारा कचरा डिपो है, यहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्थाएं करना जैसे ही शुरू की तो लोगों को इस चीज़ का एहसास होने लगा कि अब यहाँ कचरा डलना बंद हो जाएगा। आपको तो मालूम है, खाली ज़मीन यदि शहर में कहीं भी है तो लोगों की कैसी उस पर दृष्टि रहती है, उसी को लेते आज इन लोगों ने इस तरह से जाम किया है कि हम यहाँ कचरा नहीं डालने देंगे। इनको आश्वासन दे दिया है हमने कि 15 फरवरी तक दूसरी जगह जो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है कचरा निष्पादन की, वहाँ पर काम शुरू करेंगे। इन्होंने कुछ गाड़ियां भी चाबी छुड़ा ली थी गाड़ियों की। हाँ, इन्होंने निश्चित तौर पर चाबियां छुड़ाई हैं और शासकीय कार्य में बाधा की। आज शहर का कचरा 11 बजे तक उठ नहीं पाया, पहली राउंड की गाड़ियां खड़ी हैं, और इस तरह से इन लोगों को कानून हाथ में लेके काम नहीं करना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्टर विवेक सैन की रिपोर्ट।